एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, दबंग कर रहे रिटायर्ड कर्मचारी की आबादी जमीन पर जबरन कब्जा, पीड़ित ने लगाई जिलाधिकारी से न्याय की गुहार। मार्टिनगंज आजमगढ़ तहसील क्षेत्र के देवापुर निवासी राम दुलारे पुत्र रामदास ने जिलाधिकारी कार्यालय मार्टिनगंज पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जहां उपस्थित तहसीलदार हेमंत कुमार बिंद को प्रार्थना पत्र सौंपा और कहा कि साहब, मैं सचिवालय का रिटायर्ड कर्मचारी हूं। अभी कुछ वर्ष पहले ही अपने परिवार के साथ अपने गाँव में रह रहा हूँ। हमारे आबादी की जमीन पर पड़ोस के रहने वाले फूलचंद पुत्र लौटू ने अपने पुत्र गणों के साथ जबरन कब्जा कर रहे हैं। उसी आबादी भूमि घाटा संख्या 85 पर मुकदमा 73/18 राम दुलारे बनाम फूलचंद माननी सिविल कोर्ट में से विचाराधीन है। उक्त विवादित जमीन पर हो रहे जबरन निर्माण को जब हम रुकवाने गए तो विपक्षी गण लाठी डंडे लेकर मार करने पर आमदा हो गए, जिसकी शिकायत हमने सराय में थाना पर की तो थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि जमीन का प्रकरण है, SDM व तहसीलदार के पास जाओ। और आज मैं न्याय के लिए कई दिनों चक्कर लगा रहा हूं और यहां अधिकारी सिर्फ निर्माण करवाने का मौखिक आश्वासन दे रहे हैं। बता दे चले कि राम दुलारे वर्ष 2013 में सचिवालय में वरिष्ठ अनुसेवक पद से रिटायर हुए और मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के देवापुर में अपनी पुश्तैनी जमीन पर मकान बनाकर रहते हैं। आज देखिए ब्रिजेश सिंह की खास रिपोर्ट। पिताजी का क्या नाम है? ग्राम सभा कौन सा आपका है? देवापुर है। अब क्या समस्या थी जो आपने तहसीलदार और SDM को आपने एप्लीकेशन दिया जो है निर्माण कार्य रोकने के लिए? सर, रास्ता है यहाँ पे, सब आने जाने में दिक्कत हो रही, सबका रास्ता है जी, और हमारी वहाँ कॉलोनी है सर, हम कैसे जाएंगे जी? और वो रास्ता सबके लिए हो रहा है जी, सब लोग आए जाएंगे तो ये भी आएंगे, लेकिन रास्ता पे सर घर भी बना रहे हैं और जबरदस्ती मार भी झगड़ा करने को तैयार हो रहे हैं, रास्ता दे ही नहीं रहे। तो ये कौन है जो कब्जा कर रहा है जबरदस्ती? फूलचंद। और पिताजी क्या नाम? फूलचंद के? फूलचंद के पिताजी का लौटू नाम। और भी कुछ लोग हैं के लड़के? धर्मिंदर, चंदन, तो आप जब रोकने जाते हैं तो क्या होता है? ठीक हो जी, मानने के लिए तैयार हो जाते खड़े। अच्छा, तो आपने जब अधिकारी आपने जब शिकायत किया जो है इस संबंध में, एक निर्माण कार्य रोका जाए जो जबरन हो रहा है, बलाएं कम से कम 200 बार आई है जी, रोकाती है, फिर उन्होंने काम चालू कर देते हैं। आपने तहसीलदार को जो शिकायत किया था तो इन्होंने क्या कहा कुछ रोकने के लिए? उन्होंने निर्देश किया या किसी को भेजा? सर कह रहे थे कि हम ही बयान किए, हम ही लिखे, हम ही थुके, हम ही चाटे। अच्छा, ये कौन कह रहा था? ये तहसीलदार कह रहे थे। अच्छा, कहाँ थुके कहाँ चाटे? बयान हम ही डाले हैं और हम ही से रोके। तहसीलदार नहीं बनने के लिए आदेश कर दिया था? जो काम है जो उचित करिए, रास्ता का मामला है जी, जमीन मुकदमा चल रहा है। तो क्या बोले फिर? हम ही थुके, हम ही चाटे। अच्छा ठीक है, थुके चाटे अलग रही, आपके प्रति नहीं कुछ बोले कि हमारे तरफ कुछ नहीं भी काम के, जो उचित हम वही करिए। अभी आप चाहते क्या है? उसको जबरदस्ती निर्माण उसको रोकिए। अच्छा जी ठीक। क्या नाम है आपका? राम दुलारे। पिताजी क्या नाम है? स्वर्गीय रामदास। गांव कौन सा है? देवापुर। थाना? खरामीर। तहसील? तहसील मार्टिनगंज। आपने कल SDM साहब को आपने जो शिकायत किया था, अपनी आपने दिया था कि आपके आपके आबादी की जमीन पर जबरन निर्माण हो रहा है जी सर, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? इस संबंध में कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। अच्छा, तो आपने जो एप्लीकेशन दिया, तहसीलदार साहब क्या बोले? बोले कि कल जो है तहसीलदार, मैं तहसीलदार जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा, तहसीलदार साहब आ जाएंगे? नायब तहसीलदार आ जाएंगे। हाँ, इस संबंध के बारे में, इस जमीन के बारे में क्या कहेंगे आप? आपकी जमीन है ये? जमीन मेरी नहीं, आबादी की जमीन। आबादी की उसकी है ना, मेरी है। कैसे मुकदमा का अभी चल रहा है? जी सर। कहाँ चल रहा है मुकदमा? आजमगढ़ भी चल रहा है, तहसील में भी चल रहा है। अभी आप चाहते क्या हैं? अब हम चाहते हैं कि न्याय हो। न्याय मतलब क्या हो? न्याय जो उचित है वो होना चाहिए सर, निर्माण कार्य रोका जाए। जी सर ठीक, धन्यवाद। राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।